Hello students, in this video we will learn fixed preposition agree with or agree to. So let's get started. Agree with or agree to, ये fixed preposition है, इनका use हम कब करते हैं. Okay, तो agree with का use हम करते हैं whenever we talk about person, जब कभी भी हम किसी person, ठीक है, जैसे कि हम किसी her, him, you, यानी किसी व्यक्ति किसी पर्सन की बात करेंगे तो हम यूज़ करेंगे अग्री विद. और जब कभी भी हम किसी थॉट आइडिया डिसीजन या पर्पज़ की बात करेंगे तो हम यूज़ करते हैं अग्री टू. ओके, तो इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं. ये फर्स्ट एग्जांपल है, आई एम अग्री विद यू, तो मैं जो तुम्हारी बात है उससे अग्री करती हूँ. ओके, अग्री विद यू, बट ही इज़ नॉट अग्री विद यू, लेकिन वो तुमसे अग्री नहीं करता है. ठीक है, तो यहाँ पर्सन के लिए हमने साथ में क्या लगाया है, अग्री विद. सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, प्रिया इज़ नॉट अग्री टू योर डिसीजन. तो यहाँ इस सेंटेंस में आप देखिए अग्री टू किस लिए लगाया है, किसी डिसीजन के लिए. ठीक है, ये कोई पर्सन नहीं है, ये किसी का डिसीजन है, किसी का थॉट है. ओके, किसी का आइडिया है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अग्री टू का. तो प्रिया इज़ नॉट अग्री टू योर डिसीजन, प्रिया तुम्हारे डिसीजन जो है उससे अग्री नहीं करती है. देवर नॉट अग्री टू मैनेजर्स आइडिया, तो वे जो एम्प्लॉय थे, ठीक है, दे यानी कि जो एम्प्लॉयज थे वहाँ के कंपनी के, वो अग्री नहीं थे. किससे अग्री नहीं थे, जो मैनेजर का आइडिया था उससे. ठीक है, तो यहाँ क्या आया है उसके लिए, आइडिया के लिए, यहाँ पर आप देखिए आइडिया के लिए यूज़ किया गया है अग्री टू. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. और लास्ट एग्जांपल देखते हैं, सिमोना वॉज एग्री विद मी. ठीक है, तो ये किसी पर्सन की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आया है, सिमोना वॉज एग्री विद मी, वो मुझसे क्या थी, अग्री थी, मैंने जो कहा मेरी बात से क्या थी, सहमत. ठीक है, तो जब कभी भी हम किसी पर्सन की बात करेंगे तो हम अग्री विद का यूज करते हैं. और वेन एवर वी टॉक अबाउट आइडिया थॉट प्लान, ठीक है, किसी की थिंकिंग और उससे उसकी जब बात की जाएगी किसी थिंग की, तो हम क्या यूज़ करते हैं, अग्री टू.